अभी तो ये शुरुआत है और इस शुरुआत में ही अभी से इतनी चिल्लाहट है, जब ये सारे कार्य हो जाएंगे तब क्या हाल होगा, थोड़ा सोचिए। जो चिल्लाहट है ना साइन बाग वगैरह वगैरह की, ये चिल्लाहट ये पहले से आने वाले अपने अस्तित्व के लिए खतरों से जूझ रहे भारत विरोधी तत्वों की वो चिल्लाहट है, वो परेशानी है, जो आज इन धर्मों के माध्यम से देखी और समझी जा सकती है। अभी तो कुल 6 महीने हुए हैं मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के, 4.5 वर्ष बाकी हैं। जो लोग 6 महीनों को नहीं झेल पा रहे हैं, आगामी 4.5 वर्षों के दौरान क्या उनके हाल होने वाले हैं, अनुमान करिए। पहला निर्णय महिला सशक्तिकरण का, 3 तलाक अब नहीं चलेगा। 3 तलाक की कुप्रथा पर पूरी तरह प्रतिबंध। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस और केजरीवाल से, 3 तलाक के बारे में और महिला सशक्तिकरण के बारे में अपनी राय को स्पष्ट करें। 3 तलाक आखिर क्यों प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए था, क्यों महिलाओं को न्याय नहीं मिलना चाहिए था, आधी आबादी न्याय से क्यों वंचित होगी, लेकिन 3 तलाक पर ये सब मौन है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि कश्मीर में धारा 370 अलगाववाद का कारण बनेगी। जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था, एक देश में 2 विधान 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया था, लेकिन किसी सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी कि धारा 370 को छुई। लोग कहते थे खून की नदियां बहेंगी, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने ऐसा कदम उठाया कि खून की नदियां बहाने वाले सब भाग खड़े हुए। आज वे सब अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहे हैं और धारा 370 सदैव के लिए समाप्त भी हो गई। एक भारत श्रेष्ठ भारत का यह उत्तम उदाहरण अब हमारे भारत के आन मान और शान के खिलाफ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, तीसरी कड़ी में जो कदम उठाया गया, 500 वर्षों से कांग्रेस के नेता क्या करते थे, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाते थे, कहते थे ये फैसला नहीं होना चाहिए, डे टू डे की सुनवाई नहीं होनी चाहिए, न्यायालय के कार्य में बाधा पैदा करते थे। केंद्र में मोदी जी की सरकार आई, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने सभी कागज समय पर दिए, सबका अनुवाद भी कराया और अयोध्या में 500 वर्षों से अयोध्या में राम जन्मभूमि के विवाद का समाधान करवा करके हमेशा के लिए साबित कर दिया है। अब अयोध्या में जो हंसराज हंस जी कह रहे थे, जिस बात को उन्होंने कहा कि पहले लोग पूछते थे, हम लोग कहते थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर यहीं बनाएंगे, हमारे विरोधी पूछते थे कि तारीख भी बताएंगे क्या, आप ये कोई बोलेगा नहीं, अब हम कह रहे हैं कि तारीख भी बता रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम के भव्य निर्माण मंदिर के निर्माण का कार्य प्रशस्त हो रहा है, किसके कारण, मोदी जी के कारण। जिन्हें राम मंदिर के फैसले का इधर भी देखो सम्मान नहीं करना है, जो न्यायपालिका का सम्मान नहीं किए हैं, जिन्हें भारत की एकता अखंडता अच्छी नहीं लगती है, जिन्हें नारी गरिमा का सम्मान अच्छा नहीं लगता है, वे मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, वे भारत सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। और वही तत्व जिनके लिए मैं देख के ताजुब कर रहा था, केजरीवाल दिल्ली के लोगों को पानी नहीं पी, स्वच्छ पानी नहीं उपलब्ध करा रहा, सर्वे बताता है दिल्ली के लोगों को सबसे गंदा और जहरीला पानी दिल्ली की सरकार दिला रही है, लेकिन इस शाहीनबाग और जगह जगह धरने पर बिठाए हुए लोगों के लिए केजरीवाल की सरकार बिरयानी पहुंचाने का काम करती है। अंतर यही है भाइयों बहनों,
हम किसी भी देशद्रोही को, किसी भी पाकिस्तान प्रस्त को कोई मोहलत नहीं देते। पहले कश्मीर में पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी आकर के आतंक फैलाता था, खूब गोलियां चलाता था, निर्दोष लोगों को मारता था। वहां पर कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं था। और अंतर यही आया है, मोदी जी के आने के बाद आतंकवादियों को बिरयानी नहीं खिलाई जा रही है, गोली खिलाई जा रही है, एक एक को चिन्हित करके। कश्मीर देश के इस स्वर्ग को स्वर्ग ही बनाए रखने देंगे। और अगर पाकिस्तान की भाषा बोलोगे और पाकिस्तान के पक्ष में बोलोगे या पाकिस्तान से आकर के भारत में खुराक बात करोगे तो स्वर्ग का रास्ता नहीं, नरक का रास्ता। सैनिक के बंदूक की गोली तुम्हें पहुंचाने का कार्य करेगी, इस सरकार का जज्बा है। ऐसे ही राम जन्मभूमि फैसले के समय लोग कहते थे, लोग हमसे कहते थे फैसला हो जाएगा खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था कुछ नहीं होगा भाई, क्यों तुम चिल्ला रहे हो। लोग कहते थे कि राम जन्मभूमि का फैसला होगा खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था एक मच्छर भी नहीं मरेगा उत्तर प्रदेश में, चिंता मत करो। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा अयोध्या का फैसला आया, एक घटना नहीं घटित हुई, शांतिपूर्ण ढंग से। और नागरिकता कानून लागू करने की जब बात आई, हमने लोगों से बहुत समझाया, कहा भैया ये तो नागरिकता देने का कानून है, लेने का कहां है, ये तो देने का कानून है। पाकिस्तान के से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से जो पीड़ित और प्रताड़ित हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैनी हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, जो वहां पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, जो पाकिस्तान बनाने का विरोध करते थे, उन लोगों को भारत में वे आए हैं अपनी जान की सुरक्षा के लिए। और अगर भारत सरकार उन्हें अपने यहां नागरिकता दे रही, कोई बुरा कार्य नहीं कर रही, इसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि बापू ने भी ये बात कही। और इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन जो लोग कश्मीर में आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, वे लोग दिल्ली के शाहीन बाग में आकर के इन निरी, इन पीड़ित, इन प्रताड़ित लोगों को नागरिकता देने का विरोध करके धरने में बैठ गए। और धरने पर बैठ करके नारे भी क्या दे रहे हैं, आजादी आजादी के, कैसी आजादी चाहिए। भाइयों बहनों, यही कहने के लिए आज हम सब आपके पास आए, इनकी मानसिकता समझो, देश के प्रति इनकी सोच क्या है, ये भारत को कहां ले जाना चाहते हैं, कैसा भारत चाहते हैं। और इसीलिए नागरिकता कानून के नाम पर इनके द्वारा, नागरिकता कानून के नाम पर जो भ्रम इनके द्वारा फैलाया गया, और इस भ्रम के कारण अगर कहीं तोड़फोड़ और हिंसा हुई, आगजनी हुई, तो भाइयों बहनों, मैंने तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक बात कही, मैंने कहा भी जिसने जो संपत्ति चलाई है उसका 10 गुना इनसे दाम वसूल कर लो, और ये वसूली हो रही है। अभी 3 दिन पहले भी बंदी थी, और मैंने सोचा कि उत्तर प्रदेश में बंदी हो रही, मैंने जब इंटेलिजेंस से पूछा, मैंने कहा भी क्या कितनी बंदी हो रही है, और उन्होंने कहा साहब तो कोई, हर लोग व्यक्ति कह रहे हैं साहब हम कभी बंद नहीं करेंगे, कभी कोई आंदोलन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमने कहा 70 वर्षों में बहुत पैसा नैतिक अनैतिक का तमीके तरीके से कमाया होगा बहुत सारे लोगों ने, और उस पैसे की भरपाई, क्योंकि सरकारी संपत्ति बहुत ज्यादा पसती नहीं किसी को, अवैध तरीके से शासन का खजाना लूटोगे या देश पर डकैती डालोगे तो ये कभी पचेगा नहीं, ये पैसा तो वापस सरकार के खजाने में आना ही है, और कम से कम एक बहाना मिलेगा हम लोगों को ये पैसा वसूली करने का, और उसको हमने उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे तरीके से लागू कर दिया है। और भाइयों बहनों, यही कहने के लिए मैं आया हूं आज आपके पास। भाइयों बहनों, कैसे कैसे लोग व्यवस्था बनाते थे, आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी, सपा की, बसपा की, ये सभी सरकारें आई, तब 2017 में मैं आया, तो गाजियाबाद से लेकर के हरिद्वार के बीच में कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा में बहुत भीड़ होती थी,
कई वर्षों से बंद हो गई। पिछली सरकार हतोत्साहित करती थी। पहला वर्ष था, मैंने पूछा, मैंने कहा कांवड़ यात्रा के लिए क्या तैयारी है, तो प्रशासन ने कहा कि साहब पिछली सवार से तय हो, पिछली सरकारों के समय से एक तय हुआ है कि कांवड़ यात्रा में डीजे नहीं बजेगा, शंख नहीं बजेगा, घंटा नहीं बजेगा, घड़ियाल नहीं बजेगा, कोई व्यवस्था नहीं करनी है, सरकार सुरक्षा नहीं करेगी। मैंने कहा भी ये भगवान शंकर की यात्रा है, भगवान शिव के भक्तों की यात्रा है, आप इसको सौ यात्रा क्यों मनाना चाहते हैं? इसमें डीजे भी बजना चाहिए, घंटा भी बजना चाहिए, संघ भी बजना चाहिए, घड़ियाल भी बजना चाहिए। सभी शिव भक्तों के लिए, कांवड़ यात्रियों के लिए पूरी तैयारी करो उनके स्वागत के लिए, और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी उन पर करो, इसकी कोई इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लोगों ने कहा कि साहब इससे तो अव्यवस्था फैलेगी, दंगा हो जाएगा। मैंने कहा भी देखो, जो शांतिपूर्ण ढंग से व्यवस्था पर विश्वास करते हैं, हम किसी के पर्व और त्योहार में कभी व्यवधान नहीं डालते, हर व्यक्ति नियमों के अंतर्गत पर्व और त्योहार मनाए। लेकिन शिव भक्तों पर गोली चलाएगा कोई व्यक्ति, दंगा कराएगा, गोली से नहीं मानेगा तो गोली से तो मानी जाएगा। भाइयों बहनों, 4 करोड़ श्रद्धालु भाग लेते हैं कांवड़ यात्रा में, गाजियाबाद से लेकर हरिद्वार के बीच, और शांतिपूर्ण ढंग से पूरी यात्रा निकलती है। ये भारत की आस्था की यात्रा है। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली की केजरीवाल सरकार से कि दिल्ली की केजरीवाल के नेतृत्व की यह सरकार दिल्ली के अंदर भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले पैसे का उपयोग करके दिल्ली की जनता को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति क्यों नहीं कर सकती? क्या दिल्ली की जनता का अधिकार नहीं है? यह अधिकार है। आप उत्तर प्रदेश में आइए और गंगा का जल बिजनौर से लेके बलिया तक कहीं भी आप जाइए, स्नान भी करिए, आचमन करने लायक मोदी जी के सहयोग से हमारी सरकार ने बनाया है। कल ही मैंने गंगा की यात्रा संपन्न की है। 1025 किलोमीटर की गंगा की यात्रा कहीं नाव से, कहीं सड़क मार्ग से करते हुए भव्य कार्यक्रमों के माध्यम से कल ही संपन्न हुई है। आज गंगा का जल पीने लायक है, आचमन हो रहा है। प्रयागराज में विगत वर्ष कुंभ का आयोजन हुआ, 24 करोड़ 56 लाख श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ में गए थे। माघ मेला चल रहा है, माघ पूर्णिमा को समापन होगा। माघ मेले में भी मेरा अनुमान है 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पूरे माघ मेले में स्नान करेंगे। अगर गंगा का जल आचमन करने लायक है, मैं अरविंद केजरीवाल से कहूंगा कि दिल्ली में यमुना जी को कम से कम स्नान करने लायक तो बना लो। ये नैतिकता नहीं है। अशुद्ध जल की आपूर्ति करके लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। और जो बोल रहे थे यहां पर हंसराज जी कि अब तक तो उन्होंने एटीएम का नाम सुना था, अब तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी ही एक झूठ बोलने की एटीएम हो गई है। झूठ नारे, झूठे वक्तव्य। आखिर एक आंदोलन लोकपाल के नाम पे आंदोलन की जो पल्स थी ना आम आदमी पार्टी, दिल्ली में लोकपाल क्यों नहीं गठित किया इन्होंने? कहां गया इनका लोकपाल? पूछा जाना चाहिए आम आदमी पार्टी को, उन्होंने मेट्रो फेज 4 के कार्य का विरोध किया। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का क्यों विरोध किया? दिल्ली के बाद पूर्व चारों ओर एक रिंग रोड पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाने का विरोध दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने क्यों किया? दिल्ली की जनता को क्या इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं थी? क्या थी? क्या दिल्ली की जनता जाम में फंस करके प्रदूषण में अपने जान को गंवाने के लिए मजबूर क्यों हो? हम सबको सोचना होगा।
और इसलिए दिल्ली के भाइयों बहनों से मैं यही अपील करूंगा, ये सरकारें जो सेकुलरिज्म के नाम पर आकर के आपके भविष्य के साथ, आपकी सुरक्षा के साथ, आपकी बुनियादी सुविधाओं के साथ, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के विकास में बाधक हैं, इन्हें सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, कतई अधिकार नहीं होना चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के मार्ग में जो बाधक हो उन्हें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, और यही तो अपील करने के लिए हम लोग आए हैं। केजरीवाल से बोलिए, उन्हें जनता को सुविधाएं देने का शौक नहीं, यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का शौक नहीं, उन्हें तो शाहीन बाग का शौक हो गया है, और इसीलिए तो शाहीन बाग का समर्थन वो कर रहे हैं और पाकिस्तान के मंत्री उनका समर्थन कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो पाकिस्तान के मंत्री आम आदमी पार्टी के समर्थन में वक्तव्य दे रहे हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? क्या पाकिस्तान जिस कार्य से खुश होगा, क्या किसी हिंदुस्तानी के उससे खुश होना चाहिए? क्या पाकिस्तान हमारा मित्र है? तो फिर केजरीवाल के लोग क्यों खुश हो रहे हैं? ये खुश हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे समर्थन में बोल रहा है। भाइयों बहनों, आप सबसे मेरी अपील है, विजेंद्र गुप्ता जी आपके जाने पहचाने चेहरे हैं हमारे ऊपर, दिल्ली में पार्टी के नेता के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में, एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर के प्रदेश के दायित्व तक कुशलता पूर्वक निर्वहन करते हुए रोहिणी वासियों का सौभाग्य है कि आज आपको वे प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, और आपने पिछली बार भी उन्हें भारी बहुमत से चुनाव जिता करके भेजा, आपका मैं अभिनंदन करता हूं। अभिनंदन इस बात को लेकर के कि जब दिल्ली में 3 विधायक जीते थे तो रोहिणी ने विजेंद्र गुप्ता जी का साथ तब भी दिया था, आपने हंसराज हंस जी को लोकसभा चुनाव में जिता करके मोदी जी को मजबूती दी थी, तो भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और फिर अपील करता हूं कि जो कार्यक्रम चल रहे हैं अच्छा होगा, ये चिल्लाने वाले चिल्लाते रहे, हमें इस बात के लिए खुश होना चाहिए, मोदी जी ने देश को एक सही दिशा में आगे बढ़ा दिया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। आज आप देख रहे होंगे ना, पहले दुनिया में कहीं तनाव होता था, दो चीजों में कितना अंतर आया है। मुंबई का जब अटैक हुआ था, कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी, देश की जनता चाहती थी पाकिस्तान पर हमला हो, क्योंकि आतंकवादी पाकिस्तानी थे, और उस समय कांग्रेस नेतृत्व की सरकार क्या कहती थी कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, एटम बम मार देगा, यही तो कांग्रेस के नेता कहते थे। और विगत वर्ष पुलवामा में हमला हुआ था और पुलवामा में सीआरपीएफ के हमारे जवान शहीद हुए थे, तब मोदी जी ने कहा कि सेना को पूरी छूट है, स्थान भी तय करेंगे, तिथि भी तय करेंगे, और सेना गई पीओके के अंदर, सभी आतंकी कैंपों को नष्ट करके आ गई। इमरान खान दुनिया के अंदर जान की भीख मांगते हुए घूम रहा था, और आप देखे होंगे कि वह आज भी चिल्ला रहा है कि भारत हम पर हमला कर सकता है, एक परिवर्तन हुआ है। पहले पहले छोटे छोटे मामलों में दुनिया के अंदर जहां कहीं भी कोई विवाद होता था, अमेरिका आकर के चौधरी बनकर के बीच में टपक पड़ता था, आपने देखा होगा, और आज क्या परिवर्तन हुआ है। आज जब अमेरिका और ईरान के बीच में ही तनाव हुआ है, तो दुनिया से आवाज आ रही है कि भारत ही मध्यस्थता करेगा, यह है नया भारत, यह है न्यू इंडिया, और इस न्यू इंडिया में हर भारतवासी का योगदान होना चाहिए। इस न्यू इंडिया के लिए आपका समर्थन मांगने के लिए हम लोग आए हैं, क्योंकि ये भारत के प्रति हम सब की पहली प्राथमिकता है, भारत हमारी प्राथमिकता में पहले होना चाहिए। नेशन फर्स्ट की थ्योरी को ही मोदी जी ने अपनाया है और देश को यही संदेश दिया है। और भाइयों बहनों, मोदी जी के नेशन फर्स्ट की थ्योरी के अंतर्गत ही
दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारी सरकार ने मात्र 2 वर्ष में 30 लाख गरीबों को एक एक मकान दिया है। नोट करिए, 30 लाख गरीबों को एक एक मकान। और दिल्ली के अंदर 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना मकान ही नहीं है, झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लोग उनसे चंदा लेकर के उनको बेवकूफ बनाते थे। मोदी जी ने उन सबको परमानेंट कर दिया, कहा कि नहीं भाई, अब इनको भी पक्का मकान मिलेगा। एफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम उन पर भी लागू होगी, उनको भी पैसा मिलेगा, मकान मिलेंगे। एक अभियान प्रारंभ हुआ है, बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी, मेट्रो की सुविधा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा, ड्रेनेज की सुविधा, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा, ये सारी चीजें एक एक करके दिलाने की व्यवस्था है। तभी संभव है जब केंद्र और राज्य के बीच में बेहतर समन्वय हो।